प्रमुख सौर मिशन जो अभी तक ऊपर भेजे गए हैं सौरमंडल के अंतर्गत, सूर्य एक चमकीला खगोलीय पिंड है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य ने इन ग्रहों को ताप, और सूर्य से जो भी ग्रह भेजे गए हैं उन्हें ताप और प्रकाश मिलती हैं। जो भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ताप और प्रकाश है सूर्य से मिलती है, इसलिए यह सौर प्रणाली का केंद्रीय तारा है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 9,30,00,000 मील है, यानी कि 15,00,00,000 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में 3,32,000 गुना अधिक है। सूर्य के उच्च रेजुलेशन और करीबी दृश्य और उसके आंतरिक हेलियोस्फीयर हमारी सौर प्रणाली के सबसे भीतर का क्षेत्र का अध्ययन करने एवं विशालकाय तारे जिस पर हमारा जीवन संभव है या जीवन निर्भर करता है के अशांत व्यवहार को अधिक अच्छे से समझने के लिए वेधशालाओं द्वारा सौर मिशन शुरू किए गए, जिसमें सौरमंडल के अंदर उपग्रह भेजे जाते हैं और वहाँ से जानकारी हासिल की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कन्वेक्शन जोन। ये कन्वेक्शन जोन है। दी एनर्जी कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स दी सरफेस थ्रॉज कन्वेक्शन करेंट ऑफ हीटेड एंड कूल्ड गैस इन दी कन्वेक्शन जोन। इस जोन के अंदर क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूस मूव करती है टुवार्ड्स दी सरफेस, कन्वेक्शन करेंट हीटेड एंड कूल्ड गैस इन दी कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के अंदर हीटेड गैस और कूल्ड गैस की वजह से एनर्जी कंटिन्यूस सरफेस की तरफ मूव करती है। फिर है रेडियोएक्टिव जोन। एनर्जी मूव स्लोली आउटवर्ड्स टेकिंग मोर देन 1,70,000 ईयर्स टू रेडिएट थ्रॉस द लेयर ऑफ द सन नॉन एज रेडियोएक्टिव जोन। ये रेडियोएक्टिव जोन है। यहाँ से अगर एनर्जी मूव करती है तो स्लोली मूव करती है, और यहाँ से निकलने के लिए एनर्जी लेयर से निकलने के लिए कम से कम या 1,70,000 ईयर से ज़्यादा समय यहाँ से ले लेती है। फिर है कोरोना स्टीमर्स। The outwards flowing plasma on the corona is shaped by magnetic field lines into tempered form called corona, tempered which extend millions of miles into space। तो ये कोरोना स्टीमर के बारे में बताया गया है कि कोरोना स्टीमर्स में जो भी प्लाज्मा आउटवर्ड्स की साइड आता है, बाहर की साइड आता है कोरोना की शेप में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा इंटू टेम्पर्ड फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब ये शेप बनकर आती है टेम्पर्ड फॉर्म में तो उसे कहते हैं कोरोना स्टेम्पर्ड। इसको मिलियंस ऑफ मील तक हम स्पेस में ट्रेवल करवा सकते हैं। फिर है यहाँ पर सनकोर। सनकोर के बारे में बताया गया है, एनर्जी इज जनरेटेड बाई थर्मोन्यूक्लियर रेडिएशन क्रिएटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर डीप विद इन दी सनकोर। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्रिएट करती है। उसके बाद में है यहाँ पर कोरोना। दी आयनाइज्ड एलिमेंट विद इन दी कोरोना ग्लो इन दी एक्सरे एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स। नासा इंस्ट्रूमेंट्स कैन इमेज दी सन कोरोना एट दियर हायर एनर्जिक सिंस दी फोटोग्राफिक इज क्वाइट डिम इन दीज वेवलेंथ। तो कोरोना की वजह से जो फोटोग्राफी है इन वेवलेंथ्स में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। तो यहाँ से नासा ने एक्सरे के द्वारा, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के द्वारा कोरोना की सरफेस के बारे में जानकारी हासिल की है। कोरोना के द्वारा जो भी आयनाइज्ड एलिमेंट है वो ग्लो करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की है। उसके बाद में है क्रोमोस्फीयर। दी रिलेटिवली थिन लेयर ऑफ द सन कॉल्ड द क्रोमोस्फीयर इज स्कल्पल्ड बाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट रेस्ट्रेन द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सोलर प्लाज्मा। ओकेजनली लार्जर प्लाज्मा फीचर्स कॉल्ड प्रोमिनेंस फ्रॉम एंड एक्सटेंड फार इन टू द वेरी
टेन्यूस एंड हॉट कोरोना समटाइम्स इंजेक्टिंग मटेरियल अवे फ्रॉम द सन। कई बार क्या होता है, क्रोमोस्फीयर के द्वारा मटेरियल सन के द्वारा इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये क्रोमोस्फीयर क्या है, एक तरह से लेयर है सूर्य के अंदर। अब हम देखते हैं कि अब तक के विभिन्न सौर मिशन जो हमने भेजे हैं सौरमंडल के अंदर, वो देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1959 में और 1968 के बीच सूर्य पर अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा पायनियर 5, 6, 7, 8 उपग्रह भेजा गया था। यानी ये उपग्रह क्रम से भेजे गए थे 1959 यानी 1959 से लेकर 1968 के बीच में। इन उपग्रह से सौर पवन और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की पहली विस्तृत माप दी थी। इस बात की जांच के लिए ये उपग्रह सूर्य से उतनी ही दूरी पर परिक्रमा कर रहे थे जितनी दूरी पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। इसके बाद में पायनियर 9 काफ़ी लंबे समय तक काम करता रहा और उसने मई 1983 तक आंकड़े भेजे। मिशन था सौर पवन और सौर चुंबकीय क्षेत्रों को मापना। समस्या 1983 में अंतरिक्ष यान संकेत भेजने में असफल रहा। उसके बाद में 1970 के दशक में दो हेलियोस अंतरिक्ष यान और स्काईलैब अपोलो टेलीस्कोप माउंट ने वैज्ञानिकों को सौर पवन और सौर कोरोना के नए आंकड़े उपलब्ध कराए। तो ये दो और हमने सौर मिशन भेजे, दो हेलीस्कोप अंतरिक्ष यान, हेलियोस अंतरिक्ष यान और एक स्काईलैब अपोलो टेलीस्कोप माउंट। उन्होंने वैज्ञानिकों को सौर ऊर्जा, सौर पवन और सौर कोरोना के नए आंकड़े उपलब्ध कराए। उसके बाद में हेलियोस 1 और 2 का प्रक्षेपण, ये अमेरिका और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस मिशन को क्यों भेजा गया था, किसी अन्य कक्षा से बुध ग्रह की कक्षा के अंदर अंतरिक्ष यान को ले जाने के लिए सौर पवन का अध्ययन करना इस मिशन का उद्देश्य था। समस्या हुई कि पिछले अंतरिक्ष यानों ने उड़ान संख्याओं के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफलता हासिल की थी, लेकिन हेलियोस ऐसा नहीं कर सका और करीब 30 मिनटों की उड़ान के बाद वह शक्तिशाली पवन से टकराया और प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद में वर्ष 1973 में नासा ने स्काईलैब स्पेस स्टेशन की शुरुआत की, जिसमें एक सौर वेधशाला मॉड्यूल था। इस वेधशाला का नाम अपोलो टेलीस्कोप माउंट था। पहली बार स्काईलैब ने सौर संक्रमण क्षेत्र और सौर कोरोना से उत्सर्जित होने वाले परावैगनी किरणों का प्रक्षेपण किया। इन प्रक्षेपण में कोरोना ने बड़े पैमाने पर होने वाली उत्सर्जन यानी कि क्षणिक प्रवाह मंडल और सौर पवन संबंधी कोरोनल छिद्रों की पहली बार निरीक्षण भी किया था। तो ये जो दिखाया गया है, ये सौर अंतरिक्ष में बनाई गई सौर वेधशाला, जिसमें वर्कशॉप भी वहीं थी, एयरलॉक मॉड्यूल भी वहीं थे, मल्टीपल डकिंग एडेप्टर हैं, ये कमांडेंट सर्विस मॉड्यूल है, यहाँ से कमांडेंट सर्विस मॉड्यूल है, ये वेस्ट कंपार्टमेंट है, ये स्लीप कंपार्टमेंट है, इसमें ये वार्ड रूम भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये वार्ड रूम है, यहाँ पर माइक्रो मेट्रो शील्ड है, एक्सपेरिमेंट लैब यहाँ से दिखा कि ये सोलर पैनल से ये चलता था, और अपोलो टेलीस्कोप माउंट यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हम देखते हैं कि 1980 में नासा ने सौर मैक्सिमम मिशन की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य था इस अंतरिक्ष यान को सौर उच्च सौर गतिविधि और सौर प्रकाश के दौरान सौर विकिरण से निकलने वाली गामा किरणें, एक्सरे किरणें और परावैगनी किरणों की जांच के लिए बनाया गया। समस्या हुई कि प्रक्षेपण के कुछ महीने बाद इलेक्ट्रॉनिक विफलता की वजह से अंतरिक्ष यान स्टैंड बाई मोड में चला गया और अगले 3 वर्षों तक यह निष्क्रिय पड़ा रहा। इसके बाद में लेकिन 1984 में अंतरिक्ष यान चैलेंजर मिशन STC-41C ने
उपग्रह को खोज निकाला और जून 1989 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले इसने सौर कोरोना की हजारों तस्वीर ली। उसके बाद में सन 1991 में जापान का योको सूरज उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। मिशन था एक्सरे तरंग दैर्घ्य पर सूर्य की रोशनी का निरीक्षण करना। समस्या हुई कि पूरे चक्र का निरीक्षण किया लेकिन 2001 में वार्षिक ग्रहण के बाद स्टैंड बाई मोड में चला गया और इसके कारण 2005 में वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद में होनेंडो याकोआ सोर ए मिशन का अनुवृत्ति है और 22 सितंबर 2006 को इसे MB-7 रॉकेट की अंतिम उड़ान के माध्यम से यूचिनोरा अंतरिक्ष केंद्र जापान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य सबसे करीबी तारे सूर्य का अध्ययन करना और उसके चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना था। इसमें तीन वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं, एक सौर ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक्सरे टेलीस्कोप और एक है एक्सट्रीम परावैगनी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये तीनों उपकरण मिलकर कोरोना को फोटोस्फीयर से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा के पैदा होने और उनके परिवहन और अपव्यय का अध्ययन करेंगे। सूर्य के बाहरी वातावरण में जैसे कि ये क्षेत्र ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उस क्षेत्र में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा कैसे जारी होती है, चाहे वह धीरे धीरे हो या तेजी से, उसे दर्ज करेंगे। इसके बाद में है द सोलर एंड एलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसका निर्माण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा ने मिलकर किया था। इस सबसे महत्वपूर्ण सौर मिशन को 2 दिसंबर 1995 को प्रक्षेपित किया गया। मिशन था ये कि इसे सूर्य की आंतरिक संरचना, इसके व्यापक बाहरी वातावरण और सौर पवन की उत्पत्ति के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया। यह काफ़ी सफल रहा और सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी नाम से अनुवर्ती मिशन को फरवरी 2010 में प्रक्षेपित किया गया। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थित है। यहाँ दोनों का गुरुत्वीय खिंचाव समान है। 13 सितंबर 2015 को सौर एवं सौर चक्रीय वेधशाला ने 3000वें धूमकेतु की खोज की। सबसे महान धूमकेतु खोजकर्ता के तौर पर यह सिद्ध हुआ। कक्षा में 2 दशकों तक रहने के दौरान NOH ने सौर निरीक्षण के नए युग का आरंभ किया। हम जिस तारे के साथ रहते हैं उसके बारे में हमारी समझ को नाटकीय ढंग से बढ़ाया। फिर अक्टूबर 2006 में नासा ने दी सोलर टेरिस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी दी सोलर टेरिस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी स्टीरियो मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य था सूर्य को अनदेखी तस्वीर लेना, सूर्य की अनदेखी तस्वीर लेना अर्थात स्टीरियो ए एंड बी, सूर्य के स्टीरियोग्राफी तस्वीर और कोरोनल मास इंजेक्शन। अगर ग्रह स्थानों में कणों की तेजी और पृथ्वी के घटनाक्रम की तस्वीर लेने में सक्षम होंगे। सूर्य के हस्तक्षेप के कारण अक्टूबर 2014 में नासा का संपर्क स्टीरियो बी से टूट गया, लेकिन अब नासा बहुत पहले लगभग 2 वर्ष के बाद संपर्क टूट चुके अंतरिक्ष यान से फिर से संपर्क साध चुका था। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक यह पता लगना बाकी है कि अंतरिक्ष में करीब 10 वर्ष तक रहने के बाद भी क्या स्टीरियो बी अपना मिशन जारी रख सकता है। प्रकाश के बारे में और हम देखें कि अगला मिशन आया नासा का इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ IRIS अंतरिक्ष यान 27 जून 2013 को प्रक्षेपित किया गया। ऑर्बिटल साइलेंस ऑर्बिटल साइंसेज कॉरपोरेशन पीगासस एक्सल रॉकेट द्वारा कक्षा में स्थापित यान के माध्यम से सौर वायुमंडल का अध्ययन करना। यह मिशन सफल रहा और अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद में नासा ने महत्वाकांक्षी सोलर प्रोब मिशन तैयार करने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की मदद ली है। मिशन है सूर्य के कोरोना, इसकी बाहरी वातावरण, इसमें सौर पवन पैदा होती है के भीतर से अंतरिक्ष में आवेशित कणों की धाराएं जिनसे सूर्य टकराता है और हमारी सौर प्रणाली में जो यह सामग्री लेकर आती है उनका अध्ययन करना है।
इसे 31 जुलाई 2018 को प्रक्षेपित किया जाएगा। सोलर प्रो प्लस मिशन के प्राथमिक विज्ञान लक्ष्य हैं ऊर्जा के प्रवाह का पता लगाना और सौर कोरोना के गर्म होने की प्रक्रिया को समझना, और सौर पवन और ऊर्जा कणों में तेजी आने वाले भौतिक तंत्र की जांच पड़ताल करना।